हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर अली अनवर कुरैशी और आज मैं आपके वास्ते एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। दोस्तों, अच्छे टॉपिक के ऊपर आज बात करेंगे। ये बहुत ही अच्छा और एक फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और इसे कहते हैं हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, BMWB हम इसे कहते हैं। फ्रेंड्स, ये मेडिकल फील्ड के लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कंसेप्ट है, जिसको हम कहते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। मतलब जो इसमें फ्रेंड्स हमें दो चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको हमें ध्यान में रखना है। कि जैसे कि दोस्तों इसमें ये आता है कि इसमें जो हॉस्पिटल या क्लिनिक्स में जो कचरा तैयार होता है, मतलब जिसको हम वेस्ट कहते हैं बायोमेडिकल, तो उसका जो है एक अच्छे तरीके से उसका प्रोसेस होना चाहिए, उसका डिग्रेडेशन होना चाहिए, उसका जो है विलेहाट, मतलब उसको अच्छे तरीके से जो है उसके ठिकान तक, उसके जगह तक पहुंचाना चाहिए। तो इसके लिए एक सिस्टम चलती है जिसे हम कहते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, और ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से ये सिस्टम चलती है फ्रेंड्स। और इसमें जो है फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हमारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेडिकल वेस्ट है और सर्जिकल मटेरियल्स हैं और नीडल्स हैं, असंख्य प्रकार के जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट मेडिकल्स के हैं, उसको जो है हम अलग तरीके से जो है प्रिजर्व करके उसको डिस्कार्ड करते हैं फ्रेंड्स, और उसके बाद में उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं, या तो फिर उसको इंक्रीमेशन करते हैं, या बर्ड करते हैं, या उसको जो है बर्न करते हैं, और उसका जो या फिर उसको जो है प्रोसेस करके फिर से रियूटिलाइज किया जा सकता है। तो दोस्तों ये जो कंडीशन है या ये जो कंसेप्ट है, ये इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में वापस से इसके कुछ अपडेट किया है, जिसको हम कहते हैं February 2016 अपडेशन। इसमें दोस्तों ऐसे चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें चार कलर के बैग्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एक रहता है येलो बैग, एक रहता है येलो बैग तो हुआ, फिर ग्रीन बैग होता है, ब्लू बैग एक होता है, और एक रहता है ब्लैक बैग। तो दोस्तों इसमें सब में इम्पोर्टेंट ये देखना है, एक होता है येलो, एक होता है रेड, एक होता है ब्लू, और एक रहता है ब्लैक। ऐसे चार कलर के जो है हमें इसमें बैग मिलते हैं फ्रेंड्स, और इसके हर बैग में जो है अलग अलग प्रकार का जो है हमें बायोमेडिकल वेस्ट जो है इसमें स्टोर करना होता है। जैसे कि सब में इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स मैं आपको बात बताऊंगा कि ये जो बैग्स हैं इसको पहले बहुत ही अलग अलग कंडीशंस में डिवाइड किया गया था, और इस बैग्स में जो है अलग अलग प्रकार के कचरा पहले जमा किया जाता था वेस्ट, बट अभी जो है इसको डिवाइड किया गया है। February 2016 न्यू गाइडलाइंस फॉर BMW, जैसे मैंने बताया फ्रेंड, तो येलो बैग जो है ये बायोमेडिकल वेस्ट, मतलब जो ह्यूमन ऑर्गन्स हैं या ब्लड है या कॉटन्स है या फिर और कोई जो भी ब्लड कॉटन ड्रेसिंग ह्यूमन ऑर्गन्स विसरा और जो भी ह्यूमन के जो भी पार्ट हैं या ड्रेसिंग में जो पार्ट है या जो इंसिजन और ड्रेनेज का जो पस है, ये सब जो भी चीज़ें हैं, जो भी ये बायोमेडिकल वेस्ट है, ये सब जो है फ्रेंड्स हम येलो बैग में जमा करते हैं। अब बात करते हैं रेड बैग की। रेड बैग उसलिए होता है फ्रेंड्स, इसमें सब हम सर्जिकल आइटम्स को स्टोर करते हैं, फॉर एग्जांपल रबर कैथेटर है, राइल्स ट्यूब है, आईवी कैथेटर्स हैं, और अलग प्रकार के जो भी इसमें रबर्स के होते हैं रबर कैथेटर, जैसा कि राइल्स ट्यूब जैसा पता है हमें, फॉलिस है और यूरिन बैग है, जो भी रबर्स के ICD रहता है, इंटरकॉस्टल ड्रेनेज ट्यूब, इंडोट्रेकियल ट्यूब, रबर्स की जितने भी बायोमेडिकल या सर्जिकल वेस्ट हैं वो हम जो है फ्रेंड्स रेड बैग में कलेक्ट करते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स ब्लू बैग की। ब्लू बैग में जो है ब्रोकन ग्लासेस, एम्पोल्स, और दूसरा जो है इसमें जो सिरिंज का जो भाग होता है, जो भी ब्रोकन चीज़ें हैं, सिरिंज का एक पार्ट, सिरिंज का प्लास्टिक का पार्ट, और ब्रोकन ग्लासेस, एम्पोल्स, वायल्स, ये सब जो चीज़ें हैं, जो भी
ग्लास मटेरियल है, टोटल ग्लास मटेरियल विल बी स्टोर्ड इन ब्लू बैग फ्रेंड्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अ ब्लैक बैग। तो काली बैग जो है फ्रेंड्स, इसमें हम नीडल मेटल सर्जिकल मेटल्स नीडल्स और जो भी इसमें मेटल मेटालिक जो जितने भी सर्जिकल वेस्ट हैं, नीडल्स रहते हैं, सिरिंजेस रहते हैं और बाकी जो भी नीडल्स सर्जिकल ब्लेड्स और जो भी सर्जिकल आइटम्स हैं, ये सभी सर्जिकल आइटम्स जो है फ्रेंड्स, ये जो है ब्लैक बैग में हम स्टोर करते हैं फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से जो है हमें ये चारों चीज़ें जो है प्लास्टिक अलग-अलग करना है। प्लास्टिक जो है मैंने जैसा बताया, वो रबर या प्लास्टिक जो भी है वो हम करेंगे रेड बैग में, और येलो बैग में ह्यूमन एंटीपैकल वेस्ट ऑर्गन्स, और ब्लू बैग में जो है ब्रोकन ग्लासेस और ब्रोकन ग्लासेस प्लस और जो ब्लैक बैग है उसमें हम जो है फ्रेंड्स उसमें करेंगे कलेक्ट नीडल शार्प नीडल्स मेटल एजेस विच कुड बी हार्म टू अदर पर्सन विल बी स्टोर्ड इन ब्लैक बैग इटसेल्फ। तो ये चार प्रकार के बैग होते हैं फ्रेंड्स। तो ये चार प्रकार के बैग को जो है हम एक प्रकार का इसमें डिस्पोजल बायोमेडिकल वेस्ट जमा करते हैं और एक पोल्यूशन बोर्ड की तरफ से एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, वो जो है अपने एक गाड़ी लेकर आता है और ये प्रोडक्ट्स को जो है बैग्स को जो है वहाँ पर पैक करके हम उस बंदे को देते हैं और वो वीकली या ट्वाइस ए वीक या वंस ए वीक या थ्राइस ए वीक या डेली आकर जो है ये कचरा बायोमेडिकल वेस्ट जो है हमारे ओपीडी में से क्लिनिक में से और हॉस्पिटल्स में से लेकर जाते हैं और इसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन प्रोसेस और इनक्रीमेशन इंसरेनेशन बरीड या बर्निंग या प्रोसेस या फिर रीयूटिलाइजेशन में इसको लाते हैं फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों ये बायोमेडिकल वेस्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका जो है हमें बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है। ये जो हमारा बायोमेडिकल वेस्ट है क्लिनिक या हॉस्पिटल का कचरा, हम इसको बाहर थ्रो नहीं कर सकते फ्रेंड, क्योंकि ये जो है प्लास्टिक है मेटल है नीडल है और अलग अलग प्रकार के पेशेंट्स को हम इसे इंजेक्ट करते हैं, तो उतना हमें इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स। तो इस हिसाब से जो है फ्रेंड्स ये नहीं तो अगर हम ये रोड पर किधर भी अगर हम ये वेस्ट को अगर फेंकेंगे तो हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है फ्रेंड्स मेडिकोज के ऊपर, क्योंकि किसी को भी इसकी हार्म या ईज़ अप हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों इसका ख्याल करें और बायोमेडिकल वेस्ट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से अपॉइंट किए हुए पर्सन को ये दें और अपने आपको बचाएं, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच।